जहाँ तक शिक्षा की यदि हम बात करते हैं तो सिर्फ राजस्थान या हम भारत में ही नहीं, सभी देशों में महिला शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, और भारत को लेके तो और भी ज़्यादा। और जहाँ पर राजस्थान के पाली, जालौर और सिरोही डिस्ट्रिक्ट की यदि हम बात करें तो शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा नीचे या गिरा हुआ है। बालिकाओं को शिक्षा के लेकर बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे यहाँ का माहौल है। सबसे मोटी बात तो लोगों की सोच हो गई है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कियाँ पढ़ लिख के क्या करेगी, आखिर तो उनको वो चूल्हा चौका वही संभालना है, रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, उन्हें तो घर के सीमित दायरे में रहना है, उनको बाहर नहीं जाना है। पापा क्या नहीं जाने, बाहर पीते, मम्मी को डांटते, मैं मैडम बनना चाहती हूँ, मम्मी पापा ना देते क्या, नहीं पढ़ाते नहीं, मम्मी कहते हैं क्या मैं पढ़ाऊँगी बारहवीं तक। इस एरिया के सबसे बड़े समस्या ये हैं बच्चियों के अंदर कि बच्ची छोटी उम्र में ही विवाह कर लेती है। एजुकेट गर्ल्स यहाँ पे बालिका शिक्षा पर काम कर रहा है। राजस्थान में इसने पायलट प्रोजेक्ट 2006 से शुरू किया था, जिसमें इसने दो ब्लॉक में 50 स्कूल के साथ काम किया था। एजुकेट गर्ल्स का जो मुख्य उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, और यहाँ पे जितने भी 6 से 14 साल की लड़कियाँ हैं उनको स्कूल से जोड़ना, उनका ठहराव सुनिश्चित करना, और ज़्यादा विद्यालय का माहौल बालिकाओं के अनुरूप बनाना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो स्कूल में बनी होती है इसको स्ट्रेंथ करना, ये मुख्य काम। एजुकेट गर्ल्स की जो परियोजना है वो बालिकाओं के लिए काम करती है, टीम बालिका एज ए वॉलेंटियर जो यहाँ की लड़कियों के लिए काम करती है, जो उनको जैसे कि शिक्षा से जोड़ना है, डोर टू डोर सर्वे करके उनके सिटीएस जो भी लिस्ट होती है बालिकाओं की लिस्ट तैयार करना, जो लड़कियाँ स्कूल जा रही है या जो ड्रॉप आउट हो गई है उनको स्कूल से जोड़ना। एजुकेट गर्ल्स ने ये काम किया है कि स्कूलों में बालिका के अनुरूप सुविधाएँ विद्यालयों में अनुकूल बनाया, जो माता पिता के अंदर जो भेदभाव था बच्चियों के, जो बच्चा पढ़े और बच्ची ना पढ़े, तो वो एजुकेट गर्ल्स ने ही ख़त्म किया है जेंडर भेद, तो इसके हिसाब से हो। एजुकेट इजीजी से टीम बालिकाओं के रूप में वो खुद विद्यालय में इनको बच्चों को लाते हैं और उनको पढ़ाई वगैरह कराते हैं, क्लासे लेते हैं, समय समय पर इनकी बाहर जो योजना होती है उनको नारे वगैरह लिखने हैं, जिससे लोगों में जागृति पैदा होती है और बालिका इससे निसंदेह ईजीजी के आने से उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है बालिकाओं। जब एजुकेट गर्ल्स ने अपना काम स्टार्ट या काम शुरू किया था और अब तक में काफ़ी चेंजेज आए हैं, जैसे कि एनरोलमेंट पर बढ़ोतरी हुई है, लाइफ स्किल के द्वारा लड़कियों में काफ़ी कॉन्फिडेंस है या डिसीजन लेने के ये आदि चीज़ें का इम्प्रूव हुआ है, और लोकल कम्युनिटी और SMC के लोग मजबूत हुए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल की एक्टिविटीज़ और इनमें भाग लेने लगे हैं।